लोग जब इनकी बद किरदारियां देखते थे एतराज करते थे उन्होंने कहा क्या होता है अमल से इंसान थोड़ा ही ईमान से निकल जाता है लिहाजा बद किरदारी भी करो फिर भी हम मोमिन हैं हम मुसलमान हैं आपको ये नजरिया आज अमूमन मुसलमानों में और मागरब के साथ शिया ने अली के कुछ लोगों में नजर आ रहा है या नहीं बोलिए और इस अकीदे की कुछ लोग तरबीज और तबलीग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मिंबर से कर रहे हैं फिर मिंबर कर रहे हैं लोग मिंबर से कह रहा हूं मैंने मिसाल दी थी जल्दी में शायद दोस्त मुतवज्जे ना हो गए फिर दोहरा देता हूं मैंने अर्ज पहली मजलिस में भी किया था सरकार ने हमें ना सिर्फ कुरान के पीछे छोड़ा है ना सिर्फ अहले बैत के पीछे सकलैन के पीछे छोड़ा है नहीं तवज्जो में मिंबर से कह रहा हूं मिंबर से कह रहा हूं हम ना सिर्फ कुरान वाले हैं ना सिर्फ अहले बैत वाले हैं हम सकलैन वाले हैं आप सुन नहीं रही हो कि अशकिया आ गए फौज आ गई कहा इसीलिए तो पूछ रही हूं क्यों बाहर जा रहे हो मैं खत्म कर रहा था हजरत मुस्लिम मैंने छोड़ दिया कसम हजरत मुस्लिम का मसाइब जहां मसाइब है वहां शजाअत का एक नमूना तो करबला में शहीद तो नहीं हुए लेकिन करबला वालों में शामिल जरूर है नहीं हमारे अजामे अजाम में इस हस्ती का जिक्र भी इन्हीं अजाम में आता है नहीं तवज्जो होगी वो हस्ती पहला मसाइब का जुमला कह रहा हूँ उसकी मजलूमियत का पहला वो है हजरत मुस्लिम इब्ने अकील क्या मसाइब का जुमला कहने लगा खुदा की कसम हजरत मुस्लिम की मजलूमियत को एक जुमले में समेटू तो इससे बड़ा जुमला नहीं मेरे दिलो दिमाग में आता हजरत मुस्लिम में और करबला वालों में एक फर्क है क्या करबला वाले घर से दूर थे घर वालों से दूर नहीं थे मुस्लिम वो मजलूम है जो घर से भी दूर है और घर वालों से भी दूर है एक ज़ईफ़ा है बार बार अपने घर पे आके देखती थी अब जब आई रहा वही मुस्लिम मैं बस अब तीसरा किरदार सामने आया जिसका कोई घर ना हो